वेलकम टू रजा टेक वेब गाइस। कमेंट्स आया है हमारे कमेंट सेक्शन में। एक भाई पूछते हैं कि उनका किसी दोस्त जो है 2014 में इत्तेसलात से आईफोन लिया और आईफोन लेने के बाद कोई भी इंस्टॉलमेंट पे नहीं किया और वो पाकिस्तान चला गया। वो आईफोन जो है टोटल 2520 दिरहम का था। अब वो दुबई आना चाहता है, उसको क्या प्रॉब्लम होगा या उसके जो है बैंड लग गया या नहीं लग गया है। गाइस ये जो इन सवाल उन्होंने पूछा ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। हो सकता है ऐसे बहुत सारे सवाल आपके भी जहन के अंदर हो, तो चलो मैं आपको जवाब दे देता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि ये जो भाई ने ये काम किया ये पूरी तरीके से लीगल नहीं है, मतलब इनलीगल है। ये एक तरीके से गैर कानूनी काम है। काम आप सभी लोगों को किसी को भी नहीं करना है, क्योंकि अगर यूएई में रहना है तो यूएई के रूल्स को भी आपको फॉलो करना ही पड़ेगा। अब चल तो बात करते हैं कि उन्होंने पूछा, कई सारे सवाल इसमें ऐड होते हैं कि वो वापस दुबई आ सकते हैं नहीं आ सकते हैं, अब उनके ऊपर कितना पैसा जमा करना होगा, उन्होंने इंस्टॉलमेंट लिया। तो चलो एक एक करके सारी चीज़ें आपको समझाते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक सवाल के जवाब दे दूं ताकि बाकी के सवाल जवाब भी आपको समझ आ जाए। वो कह रहे हैं कि वो दुबई आना चाहते हैं, वो आ सकते हैं नहीं आ सकते। तो गाइस दुबई वो आ सकते हैं या नहीं आ सकते, इसमें दो चीज़ है। या तो उनके ऊपर ट्रैवल बैन हो गया होगा, या तो वो अभी भी आ सकते हैं लेकिन उनको फ़ाइन पे करना होगा। चूँकि ये काफ़ी पुराना अरसा है, 2014 की बात है, आप 2023 चल रहा है, तो इस पर जो है किसी भी तरीके की कोई मौजू पे कुछ मैं अगर अपने तरफ से बोलूँ तो वो सही नहीं होगा। हो सकता है इनका ट्रैवल बैन हो गया हो सकता है अभी भी वो कुछ पेनाल्टी यानी कुछ फ़ाइन पे करके वो दुबई आ सकते हैं। ये दोनों सूरतें हो सकती हैं। अब इसमें चेक कैसे करेंगे? सबसे पहले वो दुबई पुलिस के पास जा कर के उनका दोस्त या कोई, या तो वो पाकिस्तान एम्बेसी चले जाएँ, अगर वो अपने कंट्री में है तो एम्बेसी में जा कर के वो ये चीज़ें चेक कर सकते हैं, या तो जहाँ पे से हम लोग वीज़ा अप्लाई करते हैं एजेंट के थ्रू नहीं, किसी और जो डायरेक्ट हम अपने एम्बेसी से जाके वीज़ा अप्लाई करते हैं वहाँ से भी जा कर के ये चीज़ें वो चेक कर सकते हैं। दूसरी चीज़, अगर ऐसे सूरत हाल में या कई लोगों के साथ ऐसा होता है कि वो यहाँ पे कुछ लोन लिए रहते हैं और अनफॉर्चुनेटली उनके फैमिली से कुछ इश्यूज़ होते हैं, वो इंडिया चले जाते हैं, उनके दिल में कोई फ्रॉड करने का नहीं होता कि मैं ऐसे लेकर के भाग जाऊँगा, लेकिन कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स हो जाते हैं कि वो वापस नहीं आ सकते हैं, तो उन लोगों के लिए दुबई गवर्नमेंट ने इतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिया है कि आप दुबई ही नहीं आ सकते हैं, आपको बैन कर दिया गया, ऐसा बिल्कुल भी बोलना गलत होगा। बस ये होता है कि जैसे बैंक का है, बैंक में आप वीज़ा बिना कैंसिल किए, आपका वीज़ा है, आप कंट्री से आउट किए, आपने लोन ले रखा है, आपने मोबाइल ले रखा है इत्तेसलात से या जिससे भी, तो इत्तेसलात में जो पेमेंट होता है हर महीने, फॉर एग्जांपल अगर आपने आईफोन लिया है या कोई और फ़ोन लिया या आपने लोन लिया है, हर महीने एक पर्टिकुलर अमाउंट आपको जो है बैंक को देना रहता है। अगर आपने एक महीने में पे नहीं किया तो दूसरे महीने पे नहीं किया, तीसरे में, तो जो उसका इंटरेस्ट होता है वो इंटरेस्ट चार्ज होते हैं, तो इंटरेस्ट चार्ज बैंक के टर्म्स एंड कंडीशन के हिसाब से ही डिसाइड होते हैं। फॉर एग्जांपल अभी मैं अगर ले करके कोई लोन या कोई फ़ोन ले करके मैं दुबई से बाहर चले जाऊँ, 3-4 महीने तक मैं इंडिया में रहूँ, वापस मैं अगर आऊँ तो 4 महीने का जो है मुझे इंटरेस्ट देना होगा, इंटरेस्ट के अलावा जो मेरा पर्टिकुलर ईएमआई है वो भी पे करना होगा, तो ये सारी चीज़ें बैंक की तरफ से डिसाइड होती है। तो प्रॉब्लम कब होगी, कब मुझे इमिग्रेशन के पास जाना पड़ेगा, कब मुझे पुलिस मुझे बैन करेगी, जब हम बार बार ये चीज़ को करेंगे, हमारा कोई कॉन्टैक्ट नहीं होगा, हम ईएमआई पे नहीं करेंगे, तो जो है बैंक वाले या तो इत्तेसलात वाले, अगर हमने लोन लिया है तो बैंक वाले, अगर आईफोन लिया तो इत्तेसलात वाले या डू वाले, वो लोग बार बार हमें कॉल करेंगे। जब हम अनरीचेबल रहेंगे तो वो कई काफ़ी महीनों तक, 2 महीने 3 महीने 4 महीने तक इसकी रिपोर्ट बनाएंगे। रिपोर्ट बनाने के बाद वो जो है लास्ट इन मोमेंट वो जो है दुबई को सबमिट करते हैं, दुबई पुलिस को, तो वो पुलिस वाले जो है फिर उसके बाद आपको अपफंडिंग में डाल देते हैं। दुबई पुलिस का भी थोड़ा प्रोसेस होता है, वो प्रोसेस पे काम करते हैं। उसके बाद भी अगर आप नहीं आए या आपका कोई सुराग नहीं मिला, या तो आपके कंपनी जहाँ पे वीज़ा लगा है वहाँ से इन्फॉर्मेशन निकालेंगे, अगर वो कंपनी का वीज़ा भी आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे पा रहा है, तो लास्ट में जा करके लास्ट ऑप्शन में वो ट्रैवल बैन करते हैं। लेकिन ये ट्रैवल बैन बहुत कम सूरतों में देखा गया है, कि ऐसा नहीं होता कि हर 2 मिनट में ट्रैवल बैन कर दें, नहीं ऐसा नहीं होता। जब तक आप कोई बड़ा क्राइम या जुर्म नहीं करते ट्रैवल बैन नहीं करते, फाइन अलबत्ता आपको पे करना होगा। तो मुझे लगता है कि जो चीज़ें ये पूछ रहे थे उसके सारे सवालों के जवाब आपको मिल गए हैं। उसके अलावा मैं आपको एक चीज़ और बोलना चाहता हूँ कि देखो मेरे सजेशन है कि अगर आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम्स आ गई, तो आप जब फॉर एग्जांपल जैसे मान लो आप किसी कंपनी में काम करते हो, आपने लोन ले रखा है, जब कंपनी में काम करते हो तो जो कंपनी का आपका इंश्योरेंस होता है, आपका लीव सैलरी, आपका ग्रेजुएटी, ये सारी चीज़ें छोड़ के तो आप जाओगे नहीं। अगर आपने लोन ले रखा है उसके बाद अगर आप कैंसिल करना चाहोगे, जब कैंसिल करने के लिए उन्होंने इमिग्रेशन पे अप्लाई करेंगे तो वो चीज़ें कैंसिल नहीं होंगी। बात को समझो,
क्यों नहीं कैंसिल होगी? क्योंकि आपने लोन लायबिलिटी ले रखा है, या तो अगर आप वीज़ा चेंज करोगे तो उस कंडीशन में जो है आप जल्दी कर सकते हो, लेकिन कुछ सूरत हाल में आप वीज़ा कैंसिल भी कर सकते हो। जो आपने लोन ले रखा है लेकिन आपका वीज़ा कैंसिल हो जाएगा, लेकिन आप जब कंट्री से एग्ज़िट करोगे उस टाइम आपसे इमिग्रेशन पे सवाल किया जाएगा, आपको इमिग्रेशन पे रोक लिया जाएगा। अभी क्या होता है, कुछ लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं दुबई में एक कंपनी में, लोन उन्होंने ले रखा है, अब उनको कंपनी चेंज करना है तो वीज़ा तो कैंसिल हो जाएगा, लेकिन जब आप कंपनी से बाहर जाएंगे तब आपसे सवाल किया जाएगा कि भाई आपके नाम पे इतना लोन है, आपने ये इत्तला से इतना लायबिलिटी ले रखा है। बात समझने की कोशिश करो, आपको पूरी चीज़ें समझ आएगी। अगर अभी भी बात समझ नहीं आई तो वीडियो थोड़ा स्क्रॉल पीछे करो ताकि आपको सारी चीज़ें समझ आ जाए। तो बैंक के जो है टर्म्स कंडीशन होते हैं, हम जब बैंक में लोन ले रहे होते हैं या तो हमने इत्तला में कहीं ना कहीं तो साइन किया होता है, तो उसमें सारे टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं कि अगर आपने पे नहीं किया तो आपको इतने चार्जेस आएंगे, अगर आपने बैंक लोन पे नहीं किया तो आपको इतना परसेंट इंस्टॉलमेंट देना होगा। तो इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए किसी भी चीज़ का डिसीजन लीजिए। मुझे उम्मीद है कि जो भी इन्फॉर्मेशन मैंने दी आपको समझ आई। अगर ये इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड किसी भी तरीके की क्वेरी है, कोई अच्छा सवाल है, तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछें, उस पर मैं एक वीडियो में बना दूंगा। मैं मिलता हूँ एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।